मैं तो तेरे नाल ही रहना जी। हेलो फ्रेंड्स, क्या अभी कुछ इस्सा का एनिवर्सरी वीडियो क्रिएट करके विश करना चाहते हो? तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं इस्सा का वीडियो कैसे क्रिएट करना है। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपसे वीडियो ना क्रिएट हो पाए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते अपने स्क्रीन पर और सीखते कैसे बनाना है। लेट्स बिगेन। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना हम लोग काइनमास्ट ऐप को ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वन बाय वन वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे। एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग सेम सेटिंग ऐसी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे मीडिया पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग 10 फोटो को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे पिक्स में जाके पिक्चर्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पिक्स को ऐड कर लिया। अब हम लोग स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पैन एंड जूम पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे फोटो एक कट रही है, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको नीचे कर लेते हैं। बाकी एंड पोजीशन में हम लोग इसको जूम कर लेंगे कुछ इसी तरह से। फिर हम लोग नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करेंगे, पैन एंड जूम पे क्लिक करेंगे, एंड पोजीशन को जूम कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन सही है तो उसको हम लोग टच नहीं करेंगे। हम लोग जल्दी से सारी फोटो को सेट कर लेते हैं एंड पोजीशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है पिक्स को ऐड कर लिया है और इसको हम लोग एडजस्ट भी कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको गोल्डन लाइट्स वाला लगाना है। इसमें हम लोग फिफ्थ नंबर वाला सब पे ऐड करेंगे। तो सब पे ऐड कर लेते हैं जल्दी से। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है ट्रांजिशन इफेक्ट को भी ऐड कर लिया। अब हम लोग स्टार्टिंग में आएंगे। यहाँ पे पहले ही पिक पे क्लिक करेंगे और उसकी ड्यूरेशन को कम कर देंगे। इसके बाद हम लोग लास्ट में आएंगे। यहाँ पे लास्ट वाली फ़ोटो की भी ड्यूरेशन हम लोग थोड़ी कम कर देंगे। ये हम लोग ने कम कर दी। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे साइड एरो पे क्लिक करना है, 720 करना है और सेव एज वीडियो कर देना है। ये हमारी वीडियो सेव हो जाएगी गैलरी में। तो फ्रेंड, ये वीडियो जब तक सेव हो रही तब तक हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे को भी दबा दीजिए। ये हमारी वीडियो सेव हो गई। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग बैक आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग थ्री डॉट पे इसके क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पे डुप्लीकेट में रेशियो को हम लोग चेंज कर लेंगे 16:9, उसके डुप्लीकेट पे क्लिक। ये हमारा जो कॉपी लिख के गया इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, इस फोटो पे क्लिक करेंगे, पैन एंड जूम पे क्लिक करेंगे, इसकी स्टार्ट पोजिशन को और एंड पोजिशन को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको सारी फ़ोटो की स्टार्ट पोजिशन एंड पोजिशन को सेट करना होगा, तो जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने जो है सबकी पोजीशन को सेट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में आएंगे और यहाँ पे जो ट्रांजिशन इफेक्ट लगे इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बॉक्स पे, यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना है, नीचे जाना है क्लासिक ट्रांजिशन में और जूम आउट वाला लगा देना है। तो सब पे हम लोग चेंज करके जूम आउट वाला लगा देंगे। यहाँ पे हमने ट्रांजिशन इफेक्ट को भी चेंज कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में फिर से आएंगे और यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विंगेट को ऑन कर देंगे। यहाँ पे सारी फोटो की विंगेट को हमें अब ऑन करना है। यहाँ पे सारी फोटो के हमने विंगेट को भी ऑन कर लिया है। फिर से हम लोग स्टार्टिंग में और यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, बेसिक इफेक्ट और गॉसियन ब्लर, इसको हम लोग पूरे फ्रेम में सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से और इसको हम लोग लास्ट तक रख लेंगे। लास्ट तक रखने के बाद हम लोग यहाँ पे इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग कर देंगे 5। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक टेम्पलेट फाइल को ऐड करेंगे, तो उसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फ्री में डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको स्प्लिट स्क्रीन करेंगे, फुल स्क्रीन कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे जाना है ब्लेंडिंग पे और यहाँ पे कर देना है स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद हम लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग लेयर पे फिर से जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे और जो वीडियो को हम लोग ने सेव करा था सबसे पहले उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये हमने ऐड कर ली। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे साइड से पकड़ के और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको फ्रेम में सेट। तो यहाँ पे हम लोग ने सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इसके थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेंड बैकवर्ड कर देना है। ये हमारी वीडियो सेट हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे जो दो हार्ट शेप दिख रहे हैं इसके अंदर दो फोटो को ऐड करेंगे।
तो यहाँ पे लेयर पे जाएंगे, मीडिया पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग पिक्स पे जाएंगे, और यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग इसको जो है क्रॉप करेंगे, क्रॉप करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको रेड लाइन आने तक क्रॉप करेंगे। फिर इसको हम लोग मास्क ऑन कर देंगे, शेप पे क्लिक करके शेप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हार्ट शेप सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम लोग इसको छोटा करेंगे और शेप के अंदर लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे। फिर यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे इसके क्लिक करना है, सेंड बैकवर्ड कर देना है। ये हमारी फोटो सेल लग गई, इसको हम लोग लास्ट तक रख लेते हैं। ये हमने लास्ट तक रख ली, ऐसे ही सेम हम लोग दूसरे हार्ट शेप में भी लगा लेते हैं जल्दी से। ये हमने दोनों पिक्स को ऐड कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे लेयर पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे दोनों का नेम लिख लेंगे। तो जल्दी से नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको 6 टाइम स्पेस देना है और यहाँ पे ओके कर देंगे और यहाँ पे इसको बड़ा कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे रख लेना है। फिर आपको यहाँ पे डबल ए पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे वो आप लगा सकते हो, बाकी मेरे जो हमने डाउनलोड करे उसमें से हम लगाएंगे। बाकी आप ये फॉन्ट भी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लगा सकते हो। हमने ऐड कर लिया। इसके बाद हम लोग इसको लास्ट तक रख लेते हैं। हमने इसमें टेक्स्ट भी लगा दिया है। ये हमारी वीडियो बनके रेडी हो चुकी है, इसको हम प्ले करके आपको दिखा देते हैं। ये हमारी वीडियो एकदम परफेक्ट वैसे ही बन चुकी है। अब हम लोग इसको पॉज करते हैं, इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे साइड एरो पे क्लिक करेंगे, 720 करेंगे और यहाँ पे सेव एस वीडियो कर देंगे। ये हमारी वीडियो सेव हो जाएगी गैलरी में। बाकी यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे अगर आपको सॉन्ग चेंज करना है, दूसरा कोई सॉन्ग लगाना है, बाकी तो यहाँ पे टेम्पलेट फाइल में ऑलरेडी पहले से सॉन्ग लगा हुआ है। बाकी आप जो अगर चेंज करना चाहते हो तो इस टेम्पलेट फाइल पे क्लिक करना, यहाँ पे मिक्सर पे जाके इसका ऑफ कर देना और यहाँ पे ऑडियो में जाके अपनी फाइल में से कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बस क्लिक करके प्लस पे कर देना है, ये आपका सॉन्ग लग जाएगा और फिर आप यहाँ पे सेव कर लेना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, घंटे को भी दबा दो। बाय बाय, टेक केयर।